आइए और जानकारी लेते हैं कि आज का जो प्रोग्राम रखा गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। सर आपका नाम? मेरा नाम खालिद सैफी है, मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के नाम से हम एक कैंपेन चला रहे हैं। इस कैंपेन में हम जहाँ भी मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ भी नफरत के लिए कोई भी काम हो रहा था उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने की हमारी मुहिम है। जिस तरह से जो है इनका मर्डर हुआ गौरी लंकेश जी, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक और एक बहुत भयावह बात है कि जो भी एक पर्टिकुलर विचारधारा के खिलाफ दिखता है या बोलता है उसके साथ, अभी देखा हमने जब से पिछले 3 साल में कुलबर्गी का मर्डर हुआ, फिर उनके बाद जो है पानेसर साहब का मर्डर हुआ, अब इनका हुआ, तो अब एक मैसेज है, एक जो है ना एक अनकॉल्ड टेररिज्म कहेंगे हम इसको, कि अपने आप में कि जो भी डिसेंट की आवाज़ रखेगा, जो भी जो है एक विचारधारा के खिलाफ बोलेगा या लिखेगा, तो उसकी आवाज़ जो है ना इस तरह से उसका मर्डर करके, कोल्ड ब्लडेड मर्डर करके उसे शांत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इन लोगों की गलत फहमी, हम ये पैगाम देना चाहेंगे, जितना इस आवाज़ को ये दबाना चाहेंगे उतनी ज़्यादा उतनी बुलंदी से जो है ना इस मुल्क में आवाज़ उठेगी। अभी मदरसों के अंदर और जो मोमडन स्कूल चल रहे हैं इनका एक वो तकिया कलाम है कि उसके अंदर जनगण मनगण होना चाहिए, बंदे मातरम होना चाहिए, तो इनका क्या उद्देश्य है इस तरीके का जो ये तकलीफ दे रहे हैं? ये मुस्लिम कम्युनिटी को हरास करने वाली सारी बात है। ये वो चाहते हैं कि जो हम कहेंगे वो करना होगा। जनगण मन से उनका कोई मतलब नहीं है, उसका देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है। वो ये है कि तुम जो है सेकंड नंबर के हो, जैसा हम कहेंगे वैसा मानना पड़ेगा, तो उसी के खिलाफ हम जो है सब इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए क्या कारण है इस तरीके की इनकी जो मानसिक स्थिति है, या मतलब एक राजनीति दौर पर ये इस तरीके का ये काम किया जा रहा है? देखिए दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, तो ये बुरे को बुराई को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और हम बुराई को रोकना चाह रहे हैं। हम बुराई को ये बुराई को बढ़ाना चाह रहे हैं और हम बुराई को रोकना चाह रहे हैं, सब चीज़ों को लेके ये एक झूठ होकर आगे इनका मानना यह है कि हम इस तरीके के जो गोरी लंकेश गोरी का जो मर्डर हुआ है, हम इस तरीके से मर्डर और सहन नहीं करेंगे, हम सब ले एक हैं, नोट इन माई नेम को लेकर यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं।